नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से, मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। तो आज मैं जिस सब्जी के बारे में बात कर रही हूँ वो है सेम। छत पर कैसे उगाएं सेम? सेम सबसे आसानी से लगने वाली सब्जी है। जून के आखिरी सप्ताह में या जुलाई में इसके बीज लगते हैं जो मैंने लगाए थे, और फिर देखिए किस कदर फलती है। मेरी सेम तो किस कदर फल रही है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, एक सेम तो मैंने एक छोटी सी बोरी में लगाई है और उसने भी हमें अच्छे फल दिए। और ये सेम कहाँ लगी है वो मैं दिखाती हूँ। ये एक लकड़ी का खोखा है, देखिए। एक पुराना रैक था हमारा जो ख़राब हो गया था, जिसमें हम किचन का जो गार्बेज है वो इसमें डालते जाते थे, और जब ये खोखा भर गया तो हमने इसमें ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी डाल के, और ये हमने बोई नहीं थी, ये अपने आप उगाई, तो फिर हमने इसको सहारा दे दिया और ये बेल चढ़ गई। और ठीक इसमें देखिए दो बेल लगी हैं, ये एक इस तरफ चढ़ गई है और दूसरी तरफ दूसरी है। मैं कोशिश करती हूँ जहाँ तक मेरा कैमरा पहुँचता है। ये जो बेल मैं दिखा रही हूँ जो अच्छे से फल फूल रही है, इसकी जड़ छत के दूसरे कोने में है, वो मैं आपको भी दिखाऊंगी। पहले आप फल देख लीजिए। सेम का स्वभाव होता है अच्छे गुच्छों में फलना। सेम ऐसे ही फलती है, अगर ज़मीन में होती तो और भी ज़्यादा। तो मैं संक्षिप्त में बता देती हूँ कि क्या क्या करना चाहिए इस तरह छत पे सेम उगाने के लिए। सेम के लिए थोड़ा सा बड़ा ही कंटेनर चाहिए, छोटे कंटेनर में होती नहीं है। तो देखिए मैंने उस कॉर्नर में एक पॉली बैग रख रखा है, एक टायर है और उसके ऊपर मैंने एक पॉली बैग रखा है जो अब कचरे में ढका है, दिख नहीं रहा, मैं बता दे रही हूँ। बस एक बड़ा सा पॉली बैग है, उसमें मैंने अच्छी खाद वाली मिट्टी भरी है और बरसात में ये बेल लगा दी थी, और इस बेल को मैंने सहारा दे दिया था, ऊपर ये जाल बना दिया था। तो थोड़ा बड़ा बैग चाहिए। ये हमारा चौड़ा, बहुत चौड़ा, 22 से 24 इंच तो चौड़ाई होगी और लंबाई भी ऐसे ही 18 इंच का तो ऊंचा होगा ये। तो बड़े से बैग में मैंने बीज डाले हैं, खाद वाली मिट्टी है और कुछ खास केयर नहीं है, बरसात में ये अपने आप पनपती रही। और इसमें वैसे ब्लैक माइट्स लगते हैं, पर अगर हमारी बेल का जो मंडप होगा ये जो ऊपर होगी तो जितनी तेज़ धूप मिलेगी उतने कीड़े कम लगने की संभावना हो जाती है। आधे समय की धूप मिलेगी तो देखिए आपको भौरा दिखेगा, अभी उड़ेगा तो दिखेगा। इसको कहते हैं, ये जो कीट पतंगे हमारे मित्र कीट हैं, तितली भौरा, ये देखिए पॉलिनेट करा रहा है, एक फूल से उड़कर दूसरे फूल पर बैठ रहा है, तो परागण होता है इससे, ये बहुत ज़रूरी है। तो बस मिट्टी अच्छी खाद वाली चाहिए, फैलाने के लिए अच्छा मंडप चाहिए, और अगर लगता है कि कहीं कीड़े मकोड़े लग सकते हैं, तो मैं तो अभी तक केमिकल के थ्रू गई नहीं हूँ, तो मैं तो नीम ऑयल या नीम का पानी, बेल छोड़ रही थी तब तो छिड़क रही थी, अभी तो हाथ भी नहीं पहुँचता, मैंने एक महीने डेढ़ महीने से कुछ भी नहीं छिड़का है इस पर, बस फिर भी हो रही है स्वस्थ। आप लगा कर देखिए, ज़रूर सक्सेस होंगे और बढ़िया सेम आपको टोकरी भर भर के सेम मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है
वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर भी करें और मुझे सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर ही लें।